किसानी संगठन से बात किए बिना किसान देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी जमीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि यह कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज को चल रहे, अब शरे आम किसानों को ही कुचलने में आ गए। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहां तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे, जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे सुधर जाए, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमय आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज भी ना उठाए जो उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात कि जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अदालत सुमोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाएगा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? आपकी डिमांड है मंत्री को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल हमारी मांग है। देखिए जो होम मिनिस्टर अमन शांति को भंग करके, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का संदेशा कि मुझे पहचान लो, मेरे बारे जानते हो आप कि मैं कैसे सबक सीख जाओ सुधर जाओ, जो उकसा रहा है लोगों को, जो भाइयों को लड़ाने की बात कर रहा है, इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकती है? और आप उसको अपने मंत्रिमंडल में बना के रखें तो बहुत ही घटिया बात है।